पकाएंगे हम आलू गोश्त बहुत सादा तरीके से। सबसे पहले हम गोश्त को लेंगे और इसे कुकर में डाल देंगे। बहुत सिंपल तरीका है। अब इसमें प्याज का पेस्ट मिला देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये है धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, हल्दी, नमक और ये थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च। और ये है गरम मसाले, तेजपात, दालचीनी, काली मिर्च, बड़ी इलायची, जो भी आपके पास हो गरम मसाले वो डाल रहे इसमें। और 2 चम्मच ऑयल, ये बड़ा सालन वाला चम्मच है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर दें। बहुत आसान तरीका है, देखिए इसको अच्छे से मिला लें। इसके बाद में इसे बंद करके गैस पर चढ़ा लें। इसमें पानी यानी कुछ नहीं डाला, क्योंकि पेस्ट में और गोश्त में पानी छोड़ता है। इसे ऐसे ही पकने रख देंगे, 3 सीटी 4 लेंगे, पूरा नहीं 80% हो जाए। अब इसे हम चेक करना है कितना गला गोश्त। गरम है बहुत, पानी गल गया, थोड़ा सा कम है, 80% है, अभी आलू में हो जाएगा। अब इसे 2-3 मिनट थोड़ा सा ये पानी है, इसे और भूनेंगे अच्छा सा खोल के, उसके बाद आलू डालेंगे। अब ये अच्छा सा थोड़ा भून लें। अभी अच्छे से भून चुका है, अब इसमें हम आलू छोड़ेंगे। ये है कसूरी मेथी, हरे धनिए भी डाल सकते हैं आप। अब जैसा शोरबा चाहे उतना पानी डालें। अब 2 सीटी कुकर बंद कर देंगे, 2 सीटी लेने के बाद खोलेंगे। कुकर बंद कर देंगे, अब 2 सीटी लेंगे। गोश्त आलू पक चुका है, अब इसमें गरम मसाला
पिसा हुआ और डालेंगे। ये पिसा हुआ गरम मसाला है। पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे जो सब्सक्राइबर है प्लीज कमेंट जरूर कीजिए जिससे हमें पता चले।